दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वेलोड्रोम से मैं अवतार सिंह सेठी अपने साथी कमेंटेटर अनुपम गुलाटी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर 37वीं एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इस समय स्प्रिंट क्वालिफाइंग 200 मीटर स्पर्धा चल रही है मेंस जूनियर की और आपके सामने हैं ये मसरी अमर दानियल जो कि मलेशिया के साइकिलिस्ट हैं। 17 देश इसमें भाग ले रहे हैं। ऑद्रे चुगे 187 नंबर की बिप पहने हुए कजाकिस्तान के ये साइकिलिस्ट लास्ट लैप चुगे आंद्रे और ये उनकी रेस पूरी हुई 11.022 सेकंड उन्होंने समय लिया। 19 साइकिलिस्ट इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं और अब आएंगे यूसुफ अल यूसुफ जो कि सऊदी अरेबिया के हैं। सऊदी अरेबिया के इसमें दो साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं इस स्पर्धा में। इनके अलावा भारत के अश्विन तिरापत, थाईलैंड के, हांगकांग के मोको सैन, डैनियल मासरी मलेशिया के और अब यूसुफ जो कि कजाकिस्तान के साइकिलिस्ट हैं। बहुत तेजी से इस साइकिलिंग वेलोड्रोम का रखरखाव काफी अच्छा लग रहा है। आज ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि साइकिलिस्ट को कोई परेशानी हो। देखना होगा कि इस स्पर्धा में कौन कौन क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाइंग राउंड है जो इसमें से सबसे तेज 16 राइडर्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए। कुल इसमें 19 राइडर्स हैं जो भाग ले रहे हैं। सिंटियन है ताइपे के, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शानदार ढंग से साइकिलिंग करते हुए ताइपे के ये साइकिलिस्ट, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या समय निकालते हैं और उनका क्या स्थान रहता है इस क्वालिफाइंग में और क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। अगले साइकिलिस्ट होंगे जारे बिडोकी ईरान के, ईरान के ये साइकिलिस्ट और अब ये आखिरी लैप ईरानी साइकिलिस्ट जारे बिडोकी का। इसके पश्चात 10 साइकिलिस्ट और हैं इस स्पर्धा में भाग लेने वाले। ग्यारह दशमलव 475 सेकेंड का समय निकाला और ये पांचवें सबसे तेज साइकिलिस्ट में से हैं। कुल 9 साइकिलिस्ट अपनी स्पर्धा पूरी कर चुके हैं, अभी 10 और हैं और अगली बारी है जापान के नाकोनी शिनजी की। नाकोनी शिनजी नाकोनो जापानीज एथलीट और जापानीज साइकिलिस्ट काफी अच्छे माने गए हैं एशियाई सर्किट के अंदर। वो बहुत ही तेजी से चल रहे हैं, अच्छा समय निकालेंगे। नाकोना और अब देखना होगा कि इन्होंने क्या समय निकाला है। नाकानो
10.753 और अब तक के ये सबसे तेज साइक्लिस्ट रहे। पहले स्थान पर फिलहाल जापान के शिंजी नाकानो, बहुत अच्छी साइकिलिंग की, बहुत तेजी से उन्होंने ये अपनी रेस पूरी की और पहले स्थान पर रहे, 11 सेकंड से कम का समय लिया। एंड द नेक्स्ट साइक्लिस्ट इज गोइंग टू बी फ्रॉम थाईलैंड, चेतावान समनागामा। इवेंचुअली यू विल हैव 16 ऑफ देम प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। हियर ही इज कमिंग इन टुवर्ड्स द फिनिश लाइन एंड देयर ही इज गिव्स इट द फाइनल बर्स्ट, बट इट इज वेल ओवर 11 सेकंड्स एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंजिंग द जापानीज निकानो। And he is finished off with the timing. He's now, I think, in the fifth place, but he would qualify from the 19, the top 16. So Samgama, there he is, would want to improve on it when he comes on for the next round. It's going to be India's Mayur Pawar. There goes the youngster. This is the juniors sprint qualifying for the 200 meters time trial. Mayur Pawar now going up on the embankment, will come down, pick up speed. Now the bell goes and here he is starting off. Mayur Pawar controlling himself well, keeping good motion, good speed, but needs to push up more and now put in all the push that he's got as he comes towards the finish. 11.543 seconds, which puts him in the ninth position. So Pawar not doing too badly. After Pawar, it's going to be Kazakhstan's Dmitry Razaknov. So Kazakhstan is also a powerhouse. They come with a rich history of cycling, both for men and women, as here is the Kazakh rider coming up under the orders and making it into the sprint. Rezanov goes up, keeping the bike under control and coming up towards the finish line now. And he's done very well indeed. He's ranked number three now with a timing of 11.009. seconds, so he's pretty comfortable up there. Sure, plenty of scope for improvement when he moves up to the next round of Thar. जी हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। तीसरे स्थान पर रहे भारत के राइडर, अभी आपने देखे मयूर पवार, जिनका नवा स्थान था और क्वालिफाई तो वो कर जाएंगे, 19 में से 16 क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए। और अब ये स्टार्ट करते हुए अपनी रेस हांगकांग के चुंग लॉन्ग, और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन थोड़े से यहाँ धीमे पड़ते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ उन्होंने अपनी रेस पूरी की, 10.797 दूसरे स्थान पर आ गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन। यस, नाउ इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम ईरान, हसन अली वरपोश्ती। ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर, वॉच आउट फॉर वरपोश्ती ऑफ ईरान। दे हैव बीन ट्रेडिशनली वेरी गुड स्प्रिंट cyclist, and here he is, the Iranian, as he's picking up pace now, approaching last 50 odd meters as he comes up towards the finish line. But is he slackening a bit? But he's done a better timing than Amarjeet Nagy, 10.772. he's snatched the leaderboard position from Nagy and is leading in this competition now. Ji haan, bahut acha pradarshan kiya hai is Irani cyclist ne, हसन अली वरपोश्ती, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है फिलहाल, जो साइकिलिस्ट अभी तक भाग ले चुके हैं इसमें। ये इलीट मेन का 200 मीटर का स्प्रिंट स्पर्धा है। सो नागी पुश्ड टू द सेकंड पोजीशन नाउ सो फार, एंड वी हैव हैड 5 साइकिलिस्ट कंपीट, एंड नेक्स्ट कमिंग अप फ्रॉम सऊदी अरेबिया इज अब्दुल अजीज अल खुआतिम। Al-Khuatim, this is a very tactical race. You control your nerves, which could be bundles before you start off, and then conserve that energy for the last 200 meters as the
Saudi Arabian Al Kuwaitim moves up now, and he's not appearing to be very strong at this stage. We'll wait and see as he approaches the final 25 meters, and he is well over 11 seconds. He's in number 5 position, 11.884. So too early to say whether he would qualify, because they're going to be, Avtar, a lot of cyclists who will be huddled together, bunched together in that 11 plus category, and it'll become quite a few of them will be eliminated. Ji haan, filhal 16 qualify karenge inme se agle round ke liye. 22 में से 16 को क्वालिफाई करना है और अब इसके पश्चात बारी है थाईलैंड के पोंगथेप टैपीमे के. स्पीड को तेज करते हुए स्टार्ट लाइन की तरफ बढ़ते हुए और उन्होंने अपनी रेस शुरू की. पोंगथेप बहुत तेज नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये एक अच्छा टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. 10.825 दूसरा स्थान ले लिया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा प्रयास किया इन्होंने. एब्सोल्युटली थाई साइक्लिस्ट्स आल्सो क्वाइट हाईली रेप्यूटेड एंड नाउ लुक आउट फॉर द कजाकिस्तान साइक्लिस्ट जाकी सुल्तानोव बिफोर ही इज अलर्टेड विद द बेल फ्रॉम द टेक्निकल टेबल व्हेन ही विल कन्वर्ट ऑल हिज energy into speed. There he is, the 200 meters that matter, and here is Ahmedov. Sultanov moving up now. Sultanov putting up that pace, he's doing pretty well, and will he be on top of the leaderboard? Yes, 10.661 seconds. So he has overtaken everybody and has become the fastest sprinter so far in this 200 meters elite for men. जी हाँ, और उन्होंने 0.111 सेकंड से पहले स्थान के जो राइडर्स से उनको पछाड़ा है. युता वकीमोतो, ये हैं जापान के साइक्लिस्ट. क्या ये पहले स्थान पर आ सकते हैं? फिलहाल अपनी स्पीड तेज करते हुए और शुरुआत की उन्होंने रेस की, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छे ढंग से संतुलित, और मैं समझता हूं ये पहले स्थान पर आ सकते हैं. बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए और पहले स्थान पर आए, 10.192 सेकंड का समय निकाला. Fantastic, absolutely left the field behind, and Wakimoto, very strong indeed. And now we've got the Indian second rider in the fray coming up, Sanu Raj, bahut tezi se race apni shuru karte hue aur bahut acha pradarshan karte hue. देखना है कि क्या समय निकालते हैं आखिरी बेंड की तरफ आते हुए. सनुराज, भारत के ये सनुराज, और इन्होंने सातवां स्थान प्राप्त किया, 10.963 सेकंड से सातवें स्थान पर रहे. Yes, he's been faster than Amarjeet Nagi. So at number 7, he'll feel pretty confident of the fact. But then, let's not forget, we still have the Chinese riders. Don't count them off. They will be pretty strong. The Koreans as well have to come. Yeah, बहुत बदलाव हमें देखने को मिलेंगे in positions में. और अब आपके सामने Jung Yu, बहुत अच्छे rider, बहुत अच्छी तरीके से वो बढ़ते हुए आगे और अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे. Junayu Korea के ये और दूसरे स्थान पर आ गए 10.453 सेकंड का समय लेकर. So I'm wondering whether somebody in the elimination rounds will go below 10 seconds. May not be so, but they would want to be up in that top 16
firstly go step by step of that. जैसा कि आपने कहा अभी वो अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे अगले राउंड्स के लिए और फाइनल के लिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस स्पर्धा में 9 सेकंड के 10 सेकंड से कम का समय जरूर निकलेगा. Now it is Firdaus Bahrom from Malaysia. Comes down between those two red lines and coming up towards the end. But will he be strong? Yes. 10.292 avatar. What do you say to that? काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर. एक के बाद एक सभी साइक्लिस्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मलेशियन ने 10.292 सेकंड का समय लेकर दूसरे स्थान पर इस समय आ गए हैं वो. और अब ईरान के अली अस्कारी ईरान के हैं और ये भी ईरान के भी साइक्लिस्ट बहुत अच्छे साइक्लिस्ट माने गए हैं. अली अस्करी स्पीड को तेज करते हुए और अब आखिरी बेंड पर आकर स्पीड को बहुत तेज किया और अपनी रेस शुरू की. नीचे वाले लेन में आए और बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, बहुत अच्छी पैडलिंग करते हुए, संतुलन रखते हुए आगे बढ़ते हुए फिनिशिंग लाइन की तरफ. और इन्होंने समय निकाला है 10.716 सेकंड का और इनका स्थान पांचवा रहा है. सो द स्प्रिंट्स आर समथिंग व्हिच यू नो डिटरमाइन हु इज द फास्टेस्ट साइक्लिस्ट. इट्स लाइक द 100 मीटर्स डैश इन एथलेटिक्स इन द ट्रैक एंड फील्ड. और अब एक चीनी आ रहे हैं. पहली बार आज हम देखेंगे एक चीनी साइक्लिस्ट को और जैसा कि समझा जाता है कि चीनी एथलीट्स सर्वश्रेष्ठ हैं इस समय आपके सामने. और यहां अब स्पीड को तेज करते हुए और अब देखना होगा कि ये कैसा प्रदर्शन कर दिखाते हैं. और आखिरी बेंड पर आते हुए शुरुआत करने वाले हैं ये अपने रेस की और बहुत अच्छी शुरुआत करी उन्होंने. बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और संतुलन बहुत अच्छा है उनका और निगाहें बिल्कुल फिनिश लाइन के ऊपर रखी हुई. बहुत तेजी से बढ़े हैं और मैं समझता हूं काफी अच्छा समय उन्होंने निकाला होगा. लेकिन चौथे स्थान पर रहे 10.405 सेकंड से. वेल ही वुड बी प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस विद 10.405 एंड the Chinese, the first Chinese rider that we saw, Liu Juncheng. There's another Chinese rider coming up later on, that is Bi Wenjun. But in between these two Chinese riders, from Chinese Taipei, Kang Shifeng, up on the embankment. Kang Shifeng being monitored by the commissaries and the technical staff that no fouls are committed. And here is the rider from Chinese Taipei finishing with 10.425 to put himself in the fifth position. It's all getting so very close, Avtar. And at the end of it, I guess it'll be that 1,000th or a few parts of that 1,000th of a second which will eventually matter. जी हाँ, बिल्कुल सही. और अब ये भी देखना होगा कि अमरजीत सिंह नागी किस पोजीशन पर धकेले जाते हैं, क्योंकि सभी ये जो साइक्लिस्ट हैं इनके ऊपर अपनी पोजीशन बनाते चले जा रहे हैं. The second Chinese rider, Bi Wenjun. China, one of the powerhouses of the Asian cyclings. But let's see if the Chinese can do something here. Here, Bi Wenjun gets into position now. We'll move up
and on that straight at the back, now coming up to the bend now, and the last 30 or 40 meters left, and eventually he's got a timing of 10.252 second position. So he has been the better of the two Chinese riders, but now look out for the bronze medalist of the Rio Olympic Games 2016 from Malaysia, Aziz Ul Hasni Awang, Muhammad Aziz Ul Hasni Awang, one of the best riders in the world. Awang, here he is now approaching the start of the 200 meter sprint, and he's getting in well into the groove, controlling himself brilliantly, very steady, very smooth, as he takes that last negotiation of the bend, comes up towards the end. Will he record a timing? And he does, as the best timing, 10.105 seconds. He's taken the lead, he's on top of the leaderboard, and he comes with a very high reputation as being an Olympic medalist and one of the best riders in the world. So it is the first position in the eliminations for Abdul Hasni Awang of Malaysia. Chebin, Korea ke ye cyclist. रेस शुरू करते हुए इनर लेन में आए, बिल्कुल कोई समय जाया न करते हुए और बहुत तेजी से आखिरी बेंड पर आए और अपना रेस अब पूरा करते हुए कोरिया के ये एथलीट, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। 10.242 सेकंड का समय लेकर कोरिया के चेबिन तीसरे स्थान पर आ गए हैं। So the final cyclist in the sequence of 22 from Japan, Tomoyuki Kawabata, with keeping a timing of less than 10.4, as here is Kawabata, the last cyclist, the last competitor in this competition in the qualifying for the 200 meters time trial. But he's not pushed himself too much. 10.185 at number two. So what do you take of this? In 22 riders, intense, electrifying competition of that. Anupam, meri to ab nigahein agle round par hongi. Jis tarah se yahan par pradarshan hua hai, bahut hi lutf uthayenge hum jabki dusra agla round hoga. और फिलहाल हमारे पास नतीजे आ चुके हैं मेंस जूनियर क्वालिफाइंग स्प्रिंट के, जिसमें भारत के मयूर पवार ने क्वालिफाई कर लिया है, और उसमें क्वालिफाई करने वाले नाकानो जापान के, किसारा ईरान के, कायटो जापान के, चेतवन थाईलैंड के, हांगकांग के चुन लॉन्ग, मलेशिया के आलिफ आयमान, कोरिया के ह्यूनो पार्क, मलेशिया के अमर डैनियल, ताइपे के जिन होंग और ताइपे के ही हाओ क्वी, कजाकिस्तान के दिमित्री और ईरान के मोहम्मद हुसैन, कजाकिस्तान के आंद्रे चुगे, भारत के मयूर पवार, हांगकांग के होसैन और थाईलैंड के तिरापत। ओमनियम स्क्रैच ये विमेन इलीट की स्पर्धा 7.5 किलोमीटर की, और इसमें कुल 9 साइक्लिस्ट हैं। फेंस के ऊपर रहेंगी जियाओ लिंग लुओ चीन की, स्यू खेंग दिना सिंगापुर की, हांगकांग की जाओ जुआन, ईरान की फरुहान फरजान और ताइपे की के जिन, जबकि ब्लू बैंड पर रहेंगी जापान की यूमी, मलेशिया की नूर आइसा जुबीर, कोरिया की मुन हाइसोन और भारत की अमृता रघुनाथन। ऑल्सो अवतार, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट हियर टू मेंशन दैट द रेनिंग चैंपियन ऑफ दिस ओमनियम स्क्रैच रेस इज लू शियोलिंग ऑफ चाइना, हु वन द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर इन जापान।
और वो 260 नंबर की बिप पहने हुए 7.5 किलोमीटर की ये रेस है। और अभी सभी इनर लेन और यहां से रेस शुरू हुई। जैसा कि अनुपम ने बताया, ल्यू जोंगलिंग इनमें सबसे बेहतर साइक्लिस्ट हैं। इलीट विमेन ओमनियम 7.5 किलोमीटर की यह रेस। इंडियन इसमें एक हैं, अमृता रघुनाथन। अमृता रघुनाथन भारत की। अभी चाइना सबसे आगे 260 नंबर की जर्सी पहने हुए जियाओ लिंग लुओ, जो कि सबसे बेहतर साइक्लिस्ट मानी गई हैं इस स्पर्धा में। अभी अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हुए इस समय आगे सबसे 264 नंबर की बिप पहने ताइपे की के जिन जैंग। विमेन इलीट की यह स्पर्धा है, 7.5 किलोमीटर की काफी लंबी स्पर्धा। अभी 26 लैप्स बाकी हैं इसमें। This is a race of endurance, really, and it is the staying power in the end. Leads will keep changing on and off, but now, for example, at the number 8 position in the rear is the Chinese girl, the gold medalist of the last Asian Games, Lu Xiaoling. And suddenly they all want to be bunched together for the initial part of the race. 7.5 kilometers is a long distance. Another 24 laps of this 250 meters velodrome still to be negotiated. Slowly the gaps will widen, and eventually it is once again the Chinese girl who's come on top, but again breaking away from the huddle. India in the middle of the cluster at the moment. So Hong Kong, Chinese Taipei, Japanese, they are all very strong. And interestingly, in this we have nobody from Kazakhstan. So you've got the Chinese competitor, Singapore, Hong Kong, Iran. Then you have Chinese Taipei, Japan, Malaysia, Korea and India. Only one per country in this event, which is the Omnium One Scratch for the women's elite. Now look, there is an Indian girl also who is competing in this. That is Amrita Raghunathan. She is huddled in the middle. We have another 11 laps to go. The Indian Raghunathan is in the 6th position. अब आगे निकलती हुई रघुनाथन दूसरे स्थान पर इस समय, लेकिन उन्होंने फील्ड छोड़ दी है बाकी साइक्लिस्ट के लिए। और अब आगे आ गई हैं चीनी जियोंग लिंग लुओ। फिलहाल के जिन जेंग ताइपे की सबसे आगे, लेकिन ये पोजीशंस चेंज होती हुई। आपको केवल 4 लैप बची हैं और अब एक्शन शुरू होगा, और आखिरी की 2 लैप्स में आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 1 किलोमीटर रह गया ना।
और एक किलोमीटर तकरीबन बाकी, चार लैप शेष हैं और सबसे आगे अभी भी जिन जैंग जो कि ताइपे की साइक्लिस्ट हैं उनके पीछे पीछे भारत की रंगनाथन, अमृता रंगनाथन। लेकिन अब मुकाबला शुरू होगा और आखिर में स्प्रिंट देखने को मिलेगी। सभी निगाहें इन साइक्लिस्ट के ऊपर और हौसला अफजाई करते हुए उनके अपने साइक्लिस्ट। दिस इज वेयर अवतार द टैक्टिक्स विल कम इन। The leaders, the top leaders will not allow the rest of the bunch to force through. It's going to be a very tactical race where that Chinese girl is going to squeeze her way out, go up the embankment, then come down. So it's all wait and watch as we are approaching the last 500 meters of this race. Now you can see the leaders looking back, not allowing the others to come in. And they all huddled together, bunched together. It's going to be nothing but tactics and speed. And the Chinese girl is coming up. But look at the way it's going. You got to be careful. Keep it inside. Don't go outside the track. Otherwise, you're asking for trouble. The last 250 meters. And the Chinese has fallen back. Now it's got to be speed and energy to be converted by Lu Xiaoling. Can she do it? Looks doubtful at this stage. But it is going to be number three for her. And who has won the scratch? चाइनीज दूसरे स्थान पर रही हैं और जापानीज सॉरी ताइपे की केजिंग भी पहले तीन स्थानों में रही हैं। और अब ये रेस होगी क्वार्टर फाइनल जूनियर मेंस जूनियर की स्प्रिंट। और इसमें पहली जोड़ी आप देख रहे हैं जापान और ईरान ईरानी साइक्लिस्ट की। जापान के शिंजी नकानो और ईरान के कासरा बागेपोर, इनके बीच में मुकाबला है क्वार्टर फाइनल। और ये पहली रेस, इस समय आगे हैं जापान के नाकानो शिंजी नजर रखे हुए अपने कंधे के ऊपर से ईरान के साइक्लिस्ट कासरा पर। कासरा को आगे निकलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। और अब यहां से रेस शुरू हुई। नाकानो आगे हैं और ईरान के कासरा बागेपोर उनके पीछे। आखिरी बेंड पर आते हुए अभी भी यही स्थिति है। आगे निकलने की कोशिश है ईरानी द्वारा लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो इस तरह से इसमें विजय हासिल की शिंजी नाकानो ने। टाइम निकाला 11.285 सेकंड का। दूसरी हीट में जापान के काइतो काजिहारा और थाईलैंड के चेतवन समागामा, इनके बीच में हीट दो में मुकाबला है। चेतवन पीली जर्सी पहने हुए पीछे इस समय और काइतो काजिहारा उनके आगे हैं। मेंस जूनियर की स्प्रिंट और जैसे ही चेतवान आगे निकलने की कोशिश करते हैं काजिहारा अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। केजवान आगे निकलने की कोशिश में और रेस शुरू हुई। काजिहारा आगे हैं और चेतवान उनसे आगे निकलने की कोशिश में हैं लेकिन काजिहारा पहले स्थान पर बने हुए आखिरी बेंड पर और आसानी से उन्होंने
हीट दो जीत लिया है 11.050 सेकंड से। हीट नंबर तीन में अब आप देखेंगे हांगकांग के चुन लॉन्ग लियूंग और मलेशिया के आलिफ आयमन सेफवान को। तीन लैप की रेस, हांगकांग के साइक्लिस्ट नीली जर्सी पहने हुए पीछे हैं और उनके आगे हैं मलेशिया के सेफवान। इसमें से आठ साइक्लिस्ट क्वालिफाई करेंगे। चुंग लियोंग हांगकांग के आगे और मलेशिया के साइक्लिस्ट पीछे। इनर लेन में आने की कोशिश लुआन द्वारा और लुआन आगे हैं इस समय आखिरी बेंड पर आते हुए और ये आखिरी लैप इस समय और तेजी से बढ़ते हुए दोनों एथलीट आगे निकलने की कोशिश में है मलेशियन और निकल पाएंगे कि नहीं। बहुत कोशिश करते हुए पूरा दम लगाते हुए पूरी एनर्जी झोंकते हुए और आगे रहे हांगकांग के चुन लियोंग लियूंग जिन्होंने 11.523 सेकंड का समय लिया। This is going to be the fourth one now. The Malaysian on the inside. So the final 200 meters is what counts. The Korean who's here now being challenged by the Malay, Park Hyun Hoi. And then we had the cyclist from Taipei, Kazakhstan, two of them Kazakhstan, at number 6 and 7, incidentally. But now the favorite in this duel is going to be the rider from Korea. As they're coming on towards the bend, this is where the action really begins and heats up. Looking behind, the Malaysian is falling behind. And see how that lead has been taken by the Korean. He's in a commanding situation, no question, for the Malaysian to catch up Masri, and it's going to be Park Hyun Hoi, an easy winner in this duel. So a timing of 11.248. So the fifth pair is going to be on show now. And it's going to be Zheng Jihong from Taipei. And how do you like it? He's pitted with another countryman. Two cyclists from Chinese Taipei. Yang Jihong and Yen Hao Wei. And there must be very little to choose from between the two Chinese Taipei cyclists, and we look at their timings of the earlier rounds, where we've got Zheng Jihong with a timing of 10.976 seconds, and his compatriot Yen Hao Wei got more than 11.331. So the clear favorite is going to be the cyclist with bib number 155, Zheng Jihong, and he is in the lead. Zheng Jihong, can some pre be done from the outside? It's looking remotely difficult from the outside to overtake, but no, it's going to be a good sprint to the finish. However, it is going to be the exit of Yen Hao Wei, and the winner is going to be the stronger of the two, Zheng Jihong, and a timing of 11.501 seconds.
And now we've got Dmitry Rezanov from Kazakhstan. And from Iran is Zakibuki. Always keep that watchful eye on the man behind you. Nothing is going to change, at least for a bit. Now just look at those tactics. They slowly go up, slow down the pace. The Iranian trying to gauge the opposition. Bit of games play. Gamesmanship also at its best. Every sport has that. So now slowly, after that slow initial start, just picking up speed. The Kazakh knows the Iranian. If he goes ahead, if somebody takes the lead, it'll be very difficult to balance it off. And now here is the bell being sounded. Kazakhstan up in front, Iran following behind, but on the heels. You've got to be absolutely perfect in your coordination. Iran is trying to force his way from the outside. Hugging the inside is the Kazakhstan rider, who will make it to the next round. So Dmitry Rezanov beats Zare Bidoni to qualify for the semi-final. Timing of 11.363 seconds. और अब आंद्रे चुगे, जो कि कजाकिस्तान के हैं, उनका मुकाबला होगा भारत के मयूर पवार के साथ में. और मयूर पवार इस समय आगे कजाकिस्तान के आंद्रे चुगे. दूसरे स्थान पर हैं. मयूर आगे और लेकिन आगे निकलने की कोशिश में है आंद्रे चुगे. इनर लेन में इस समय मयूर. और अब उन्होंने स्पीड तेज की आंद्रे ने, और मयूर ने भी अपना पहला स्थान बनाए रखा है. लेकिन असली एक्शन शुरू होगा यहां पर, और इससे पहले कि वो वहां पर मोड पर आगे रहते, आंद्रे आगे निकल गए और मयूर दूसरे स्थान पर आ गए. चूक कर गए इस समय मयूर, और आखिरी बेंड पर आते हुए उन्हें पछाड़ दिया यहां पर आंद्रे ने. और इस तरह से उन्होंने ये रेस जीती 11.625 सेकंड से. आंद्रे चुगे, जिन्होंने हरा दिया मयूर पवार को. और अब आखिरी मुकाबला है हांगकांग के हो सैन मोक और थाईलैंड के तिरापत के बीच में. इससे पहले आंद्रे चुगे ने जीत हासिल की, और यहां अब शुरुआत हुई है आखिरी रेस की. थाईलैंड के तिरापत आगे हैं और उनके पीछे हैं मोक होसैन. तिरापत अभी भी दूसरे स्थान पर, होसैन मोक हांगकांग के पहले स्थान पर. और अब स्प्रिंट लगाते हुए तिरापत आगे निकले, और यहां पर इनकी स्प्रिंट देखनी पड़ेगी दोनों राइडर्स की. तिरापत पहले स्थान पर, लेकिन आगे निकलने की कोशिश में है हो सैन मोक, और हो सैन मोक निकल पाएंगे कि नहीं, और आसानी से उन्होंने तिरापत को पीछे छोड़ दिया.
11.515 सेकंड का समय लिया सैन हो सैन मोक ने, जो कि हांगकांग के हैं, और उन्होंने ये हीट 8 जीत ली। अवांग मोहम्मद अजीज ये हैं मलेशिया के और ताइपे के जिंग फेंगकांग, इनके बीच में ये मुकाबला है पहली हीट। मेंस स्प्रिंट मलेशिया के राइडर पीछे हैं। ये स्ट्रेटजी मलेशियन राइडर्स में ही हमने देखी है कि वो अंतिम क्षण में आगे निकल जाते हैं। पहले स्थान पर हैं ताइपे के शी फेंगकांग। बहुत ही सतर्क हैं मलेशियन राइडर अवांग, और यहां आखिरी लैप बहुत पीछे हैं अवांग, लेकिन उनमें क्षमता है आगे निकलने की कोशिश, और आगे निकल गए आखिरी बेंड पर। अभी भी पहले स्थान पर अवांग, और अवांग जीत गए 8.83 सेकंड का समय लिया। दैट इज शेयर ब्रिलियंस ऑफ तार द वे अवांग वेंट गेजिंग हिज अपोनेंट टिल द वेरी एंड एंड हिज अपोनेंट वेल नॉट विशिंग टू गिव हिम एनी लीवे एनी काइंड ऑफ रूम दैट साइक्लिस्ट फ्रॉम चाइनीज टाइपे कैंग शी फेंग। But it is sheer experience for the rider from Malaysia, Abdul Aziz Al Hasni Aiwang, who was a bronze medal winner in the Olympic Games at Rio de Janeiro last year. And now we've got the second quarterfinal coming up from Japan, Tomoyuki Kawabata, being challenged by the Korean Na Jung-kyu. Now Na Jung-kyu pushes out first. This is also going to be a close encounter. See how watchful the handicapped rider is. He looks back all the time, all the eyes on the cyclist following him. How he's pedaling, which direction is he going, how best he should not yield any ground to the opposition. Watching him all the way when he's accelerating, about to build up. In the meanwhile, the Japanese is behind Kawabata. Kawabata had the second best timing in the elimination rounds. He's the stronger of the two. Will the Korean let him go? Now they come in hugging the inside. The Korean is up in front. A lot of work for the Japanese. But look at the way he's gone. He's already overtaken him on the outside. It's turning out to be a straight winning victory for the Japanese as he comes in unflinching style. Absolutely remarkable. They are a class apart. And the way they have monitored these sprints is remarkable. कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था, कितना आत्मविश्वास था कावाबाटा में कि उन्होंने आखिरी समय पर जिस तरह से आगे निकले और आगे निकलते चले गए, कोई भी समय नहीं दिया, और ये देखिए 10.654 सेकंड में उन्होंने रेस जीती है। और अब बारी है ये तीसरा हीट जापान के ही यूटा वाकीमोटो और ताइपे के शी सिन सियाओ। जापान के यूटा और ताइपे के शी सिन
दाईं तरफ हैं जापान के ये राइडर, जापानी राइडर इस समय आगे, और उनके दिमाग में सभी तरह की कैलकुलेशंस चलती हुई, नजर रखे हुए अपने प्रतिद्वंद्वी पे कि वो कहाँ हैं, इनको कितना पीछे रहना है, उनको आगे रहना है, हर तरह की कैलकुलेशन करते हुए जापानी साइक्लिस्ट इनर लेन में है जापानी। अब ऊपर फेंस की तरफ दोनों जापानी, यूटा आगे निकलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, और इस बीच आगे निकले उनके प्रतिद्वंद्वी सिन शी ताइपे के, और शिन ची ताइपे के इस समय आगे हैं जापानी के, जापानी यूटा वाकिमोटा इस समय काफी पीछे रह गए, लेकिन बहुत तेजी से आगे निकलते हुए, और वो क्या आगे निकल पाएंगे, आखिरी बेंड पर आते हुए उन्होंने पीछे छोड़ने की कोशिश की, और देखिए किस तरह से आगे निकल गए, कितना आत्मविश्वास इनमें था कि जो चाहा वो कर दिखाया। Well, at one stage it looked absolutely impossible. It looked as if the Japanese was all over, left behind, no question. But the way on the back straight, the way that lead changed and the acceleration came from the Japanese, brilliant stuff, absolutely. Now the important race coming up is the defending champion of the last year's Asian Championship, where we have the defending champion from Korea, Im Chaibin, versus the Kazakhstan rider Zaki Sultanov. So he's already a gold medal winner. He has tasted. He's a hot favorite here. Will he retain his title? Of course, this is only the quarter final. His first step will be to make it to the next round. As we are off with the start, with Zaki Sultanov being pushed off the start line first, and the defending champion from South Korea, Im Chaibin, behind. The one at the back definitely has the advantage because he knows what to do. The onus is on the point of the cyclist ahead, in this case the Kazakh. How long can he hold his nerve? When does he think he needs to push up? And of course, before the bell sounds, of course they will have another round to go in this lap, and the defending champion is in no hurry at all to overtake. He says, all right, you take the lead, you go up and down, I will follow you, I'll be in hot pursuit. And now Kazakhstan's Sultanov slowly picking up pace, and this is the time the Korean has moved up the embankment, will come down rather ferociously and will want to overtake his opponent from Kazakhstan. But Sultanov is doing pretty well. Im Chaibin has easily overtaken him with about 60 meters to go, and is hugging the inside now for a comfortable victory. Big gap between the two. The defending champion, the gold medal winner of the 2016 edition from Korea, Im Chaibin, beating Zaki Sultanov with timing of 10.661 seconds, easily the best timing that we've seen in that 200 meter sprint so far in these quarterfinals of Tar. Mukabla hai Cheen ke Wen Jun aur Iran ke Ali Askari ke beech mein. Wen Jun aur Ali Askari, Ali Askari hain Iran ke rider, ये हैं चीन के राइडर, और आपके बाएं तरफ अली अस्करी। इसमें जैसा कि हमें आशा है, उम्मीद है कि चीनी राइडर ही विजयी होंगे, जो कि दोनों में से बेहतर हैं, और इसी के साथ आगे निकले पहले
आगे समय चीनी राइडर वेंजुन, पीछे हैं ईरान के अली अस्करी। नजर रखे हुए चीनी राइडर अपने प्रतिद्वंद्वी अली अस्करी पर। हमने जो तीन रेसेस देखी, कितनी खूबसूरत, जिस तरह से के पीछे से आते हुए जापानीज राइडर और उसके पश्चात उससे पहले कोरियन राइडर आगे निकले, देखते ही बनता था। अभी यहां चीनी राइडर पीछे हैं, उनको आगे निकलने का अवसर नहीं दे रहे। अली अस्करी, जुनवेन आगे निकलने की कोशिश में है और ईरानी अगर जीत जाता है अली अस्करी तो ये एक बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन फिलहाल दोनों अपनी स्पीड तेज करते हुए और यूवेन आगे निकलने की कोशिश में, आखिरी बेंड पर आते हुए अली अस्करी आगे हैं और इस समय आगे निकलने की कोशिश में असफल रहे चीनी राइडर और ये एक उलटफेर कहा जा सकता है। जो उम्मीदें लगाई थी वो उसमें सफल नहीं हो पाए चीनी राइडर वेंजुन और अली अस्करी ने ये रेस जीत ली है। समय लिया 10.963 सेकेंड।